Surprise. यार अभी कुछ ही दिन पहले मिवी ब्रांड की तरफ से लॉन्च हुए थे मिवी डुओपॉड्स F40 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। उसमें आपको बिल्कुल हाफ इन डिजाइन के ईयरबड्स मिलने वाले हैं और एक और नए ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च कर दिए हैं हाफ इन डिजाइन के मिवी ब्रांड की तरफ से फिर से, दैट इज मिवी डुओपॉड्स A350 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। कोई बात नहीं यार, ब्रांड का फर्ज है लॉन्च करना, हमारा फर्ज है रिव्यू करना और आपका फर्ज आपको पता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। इसका लॉन्च प्राइस अप्रॉक्सिमेटली 999 रुपीज और हम हमेशा की तरह चेक करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, गेमिंग एक्सपीरियंस, सब डिटेलिंग के साथ। एंड तक पहुंचते पहुंचते आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये कितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। सो होप यू लाइक दिस वन एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऐसा आपको मिवी डुओपॉड्स A350 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का बॉक्स मिलने वाला है। बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा 1 ईयर की ब्रांड वारंटी कार्ड, एक वेलकम कार्ड और साथ ही में आपको यूजर मैनुअल मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हैं। एक मिवी ब्रांड की तरफ से आपको टाइप सी का चार्जिंग केबल मिलेगा टू चार्ज योर ईयरबड्स केस। मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द ईयरबड्स केस यू विल बी गेटिंग। प्रॉपर आपको यहाँ पे राउंड शेप का ईयरबड्स का केस मिलने वाला है। पूरा यहाँ पे आपको मेटलिक डिजाइन दिया गया है, मेटलिक लुक एंड फील दिया गया है। नीचे आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे, एंड फ्रंट में आपको 4 बैटरी इंडिकेटर लाइट्स भी मिल जाएंगी। एंड बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पे बिल्कुल डिसेंट मिलने वाली है, उससे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया गया है। थोड़ा आपको बल्की लग सकता है लेकिन इसको आराम से पॉकेट में कैरी कर पाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड केस को हम ओपन करेंगे, दोनों ही बड्स प्रॉपर तरीके से पैक्ड है यहाँ पे, एंड जो लॉक दिया गया केस का आपको बिल्कुल यहाँ पे सही मिलने वाला है, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं लगी। एंड इसमें आपको प्रॉपर मैग्नेट्स मिलने वाले हैं, गिरने के बिल्कुल चांसेस नहीं है ईयरबड्स के केस के अंदर से। बड्स आपको बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे स्टेम शेप के हाफ इन डिजाइन के ईयरबड्स मिलने वाले हैं। आप लुक एंड फील देख सकते हैं, काफी आपको प्रीमियम लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहा है कम प्राइस पॉइंट में। एंड इसमें आपको पूरा प्रॉपर मेटलिक फिनिश मिल जाएगा ईयरबड्स में भी, एंड अच्छा जो आपको बिल्ड क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। अगर आप प्रॉपर तरीके से कानों में इसको लगाएंगे यार, इसमें आपको ऐसे कोई ईयरकप्स तो नहीं मिलने वाले, कानों में सिंपली लटक जाएंगे, बाहर की आपको एक्टिविटीज पूरी पूरी पता चलेंगी क्या हो रही है। लुक एंड फील सही दिया गया, अगर आप इसको वर्कआउट्स के टाइम भी यूज करते हैं, रनिंग के टाइम यूज करते हैं, जिम के टाइम यूज कर सकते हैं, गिरने के चांसेस नहीं है, अच्छा होल्ड प्रोवाइड करते हैं ये। एंड इसमें आपको फुल टच कंट्रोल्स भी मिलने वाले हैं, कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, इसमें आपको मिलेगा ब्लूटूथ वर्जन 5.1, वाटर रेजिस्टेंट फीचर, 13 mm के इलेक्ट्रोडायनेमिक ड्राइवर्स, MEMS माइक फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस, 7 से 8 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ना सिंगल चार्ज, एंड टोटल आपको मैसे 50 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल सकता है विद द चार्जिंग केस। एंड केस को अगर आप 10 मिनट चार्ज करेंगे, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, 10 मिनट के चार्जिंग में आप 10 आवर्स का प्ले टाइम ले सकते हैं विद द चार्जिंग केस ऑफ दिस ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। सो यार देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से, इसमें आपको फीचर्स अच्छे मैनेजेबल प्रॉपर मिल जाएंगे। बैटरी बैकअप आपको बढ़िया मिलने वाला है, इसमें आपको बिल्कुल ह्यूज बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अगर आप म्यूजिक को 60-70% वॉल्यूम तक सुनेंगे तो जो कंपनी ने क्लेम की बैटरी लाइफ आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। एंड अगर हम बात करेंगे इसके टच कंट्रोल्स की, इसमें आपको फुल टच कंट्रोल्स भी मिलने वाले हैं, कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं एक ओवरव्यू ले लीजिए। अगर आप किसी भी ईयरबड को सिंगल टैप करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो म्यूजिक पॉज होगा। एंड अगर आप राइट ईयरबड को डबल टैप करेंगे तो ये नेक्स्ट ट्रैक पे जाएगा, लेफ्ट ईयरबड को डबल टैप करेंगे तो ये प्रीवियस ट्रैक पे जाएगा। एंड अगर आप लेफ्ट ईयरबड को टच एंड होल्ड करके रखेंगे, ऐसे लॉन्ग टच करके रखेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होती जाएगी। एंड वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए अगर आप राइट ईयरबड को टच एंड होल्ड करके रखेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी। एंड अगर आप किसी भी ईयरबड को ट्रिपल टैप करेंगे, 3 बार टैप करेंगे तो वॉइस असिस्टेंट फीचर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। एंड इनकमिंग कॉल, अगर आपको कॉल आ रहा है आपको एक्सेप्ट करना है, किसी भी ईयरबड को अगर आप सिंगल टैप करेंगे कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए फिर से अगर आप सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। किसी का कॉल आ रहा है आपको डायरेक्टली रिजेक्ट करना है, किसी भी ईयरबड को अगर आप 2 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे गेमिंग एक्सपीरियंस की। हालांकि इसमें आपको ऐसा कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं दिया गया है, हम करेंगे BGMI गेम टेस्ट, फिर आपको पता चल जाएगा इसमें आपको एक्सपीरियंस कैसे मिलने वाला है।
यार आपको गेमिंग टेस्ट देख के आपको नजर लग गया होगा इससे आपको लेटेंसी कितनी मिलने वाली है। साफ साफ गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरबड्स से नहीं है, आपको काफी हद तक लेटेंसी देखने को मिलेगी अगर आप हैवी गेम्स खेलेंगे तो। नॉर्मल गेम्स के लिए अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग करते हैं, नॉर्मल गेम्स खेलते हैं, उसके लिए इसको आप ऑप्शन में रख सकते हैं। हैवी गेम्स के लिए बोलूंगा आप दूसरा कोई ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस ज्यादा खास नहीं मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे मेन साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। इसमें आपको 13 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे, लाउडनेस आपको अच्छी मिल जाएगी। हाफ इन डिजाइन के ईयरबड्स अगर आप कानों में सही तरीके से पैक करते हैं लाउडनेस आपको सही मिल जाएगी, लेकिन अगर आप फुल वॉल्यूम पे सुनेंगे तो आपको हो सकता है जो क्लैरिटी है वोकल्स पार्ट को लेके जो बेस है आपको लग सकता है कि हाँ हल्का फुल्का जो क्लैरिटी है थोड़ी बहुत डगमगाई लग सकती है। 70-80% वॉल्यूम पे सुनेंगे जो वोकल से क्लैरिटी आपको बिल्कुल सही मिलने वाली है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं लगी, लेकिन फुल वॉल्यूम पे आप हो सकता है आपको हल्की फुल्की जो क्लैरिटी है थोड़ी बहुत डगमगाई लगे, लेकिन 70-80% वॉल्यूम पे आपको अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बेस की बात करेंगे यार, बेस इसमें मेरे को डिसेंट लगा, बहुत ज्यादा पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं लगा। अगर आपको सॉफ्ट बेस इफेक्ट्स चाहिए कि हाँ लगे कि आपको प्रॉपर थोड़े बहुत बेस इफेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल बूस्टेड बेस अगर आप बिल्कुल बेस लवर है तो आपको हो सकता है हल्के फुल्के इसमें बेस इफेक्ट्स मिसिंग लग सकते हैं, थोड़े बहुत डिसेंट आपको सॉफ्टनेस के साथ बेस इफेक्ट्स मिल जाएंगे। बात करेंगे कॉलिंग की, मैंने एक फ्रेंड से बातें की थी, आउटडोर कंडीशन में आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसे मिलने वाला है इससे आपको। हाय अभिषेक, कैसे हो यार? हाँ भाई, अब बढ़िया बढ़िया यार। अभी ना मेवी ब्रांड की तरफ से एक मेवी डुओ पॉड्स A350 ट्रू वायरलेस ईयरबड लॉन्च हुए हैं, मैं अभी उनसे लगा के आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आउटडोर कंडीशन में हूँ। मेरी आवाज कैसी आ रही है आपको? आपकी आवाज क्लियर आ रही है। क्लियर है बिल्कुल, मतलब कोई बैकग्राउंड एक्टिविटीज या मेरी आवाज में कोई मतलब फोकस है? हाँ, आपकी आवाज में 70% फोकस का बोल सकते हैं, और आपके जो आसपास का बैकग्राउंड है वो थोड़ी बहुत आ रही है आवाज। अच्छा, मतलब बैकग्राउंड आपको पता चल रहा है एक्टिविटीज क्या हो रही है, यहाँ से थोड़ी बहुत गाड़ियाँ जा रही है साइड से, उनकी आवाज बिल्कुल पता चल रहा है, तो 70% तक आपकी आवाज जो है फोकस में आ रही है। अच्छा, फिर कॉल रिकॉर्डिंग सुन के आपको अंदाजा लग गया होगा इससे आपको कॉलिंग कैसे मिलने वाली है। इंडोर कंडीशन में आपको सही कॉलिंग मिल जाएगी अगर आपके एनवायरनमेंट में ज्यादा नॉइजी नहीं है एनवायरनमेंट आपका, लेकिन अगर आप नॉइजी एनवायरनमेंट में अगर आप आउटडोर कंडीशन में तो सामने वाले को आपकी आवाज तो सुनाई देगी, लेकिन उसको बैकग्राउंड एक्टिविटीज पता लगे एक्जैक्टली क्या हो रही है। 60-70% आउटडोर में आपको सामने वाला सुन पाएगा, 30-40% उसको बैकग्राउंड नॉइज आ सकती है, इसलिए आपको डिसेंट कॉलिंग मिलेगी, बहुत ज्यादा परफेक्ट कॉलिंग बोलते हैं ना आउटडोर कंडीशन में, आपको थोड़ी बहुत मिसिंग लग सकती है, लेकिन हाँ इंडोर कंडीशन में आपको सही कॉलिंग मिल जाएगी इससे। अब हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी को आउट ऑफ 10। So, मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8 out of 10, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 7 out of 10, और मैं कॉल क्वालिटी को भी दूंगा 7 out of 10। दीज आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ईयरबड्स, अप्रॉक्सिमेटली 999 rupees जो इसका लॉन्च प्राइस है, और मेरे हिसाब से ओवरऑल एक ये डिसेंट पैकेज है, बहुत परफेक्ट पैकेज आप नहीं बोल पाएंगे। इसमें आपको अच्छा म्यूजिक मिल जाएगा, आपको वोकल सी क्लैरिटी सही मिल जाएगी, अगर आप हाफ एन डिजाइन के ईयरबड्स कंसिडर करना चाहते हैं तो अगर इसमें आपको जो वोकल सी क्लैरिटी सही मिल जाएगी, लेकिन आपको डिसेंट सॉफ्ट बेस इफेक्ट्स मिलेंगे, डिसेंट आपको कॉलिंग मिलेगी, और गेमिंग में आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल ये डिसेंट पैकेज इसको आप बोल पाएंगे। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो मैंने सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पे जाके आप चेकआउट करके को ग्रैब कर सकते हैं। कुछ भी अभी भी दिक्कत है, आपको कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च मेवी डुओ पॉड्स A350 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। Hope you like this one, and as I told you, if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one, and see you in the next video. Thank you.